Sabita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman, shouldering pieces of glass. Sabita नाम की एक लड़की है, छोटी सी लड़की, जो कि drab का मतलब है faded, जो कि एक पिंक ड्रेस पहने हुए, जिसका रंग लगभग उड़ चुका है, वह एक बड़ी उम्र की औरत के साथ बैठकर शीशे के टुकड़ों को जोड़ रही है, शोल्डर कर रही है, बेल्ट कर रही है. एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, मैकेनिकली का मतलब है ऑटोमेटिकली या मशीन की भांति. एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, जब उसके हाथ किसी मशीन की चिमटियों की भांति अपने आप हिलते हैं, चलते हैं. आई वॉन्डर इफ शी नोज द सेंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, तो मुझे ये सोचकर हैरानी हुई. आई हियर स्टैंड्स फॉर द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी. हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी? एनिस जंग. तो एनिस जंग अपने लिए कह रही है, ऑल दीज स्टोरीज आर रिटन इन ऑटोबायोग्राफिकल वे और फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में. फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है जब ऑथर या राइटर अपने आप को उस कहानी में शामिल किए हुए होता है, एक पात्र के रूप में, एक करेक्टर के रूप में उस कहानी में रहता है, तो वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी हुई कहानियाँ होती हैं. आई वॉन्डर इफ शी नोज द सेंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प मेक, मुझे ये सोचकर हैरानी हुई कि क्या वो उन चूड़ियों की, सेंक्टिटी का मतलब है पवित्रता, सेक्रेडनेस, क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिन्हें वह बनाने में मदद कर रही है. इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमन्स सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज. अब राइटर ही अपने आप कह रही है कि ये चूड़ियाँ तो भारतीय महिला के सुहाग की निशानी होती हैं. सुहाग जो है वो यहाँ पर फिर से हिंदी का शब्द यूज़ किया गया है, सुहाग, जिसका इंग्लिश में मतलब है ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज. तो वो राइटर कहती है कि मुझे ये जानकर हैरानी होती है कि क्या उसे इन चूड़ियों के पवित्रता का पता होगा, ये भारतीय औरत के सुहाग की निशानी है. इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड भेल, उसे यदि उसे पता नहीं है तो भी उसे एक दिन इन चूड़ियों की पवित्रता का पता चल जाएगा, जब अचानक ही उसके सिर को किसी लाल भेल से, लाल पर्दे से उसके सिर को ढक दिया जाएगा. ड्रैप्ड का मतलब है कवर विद, ड्रैप्ड विद मतलब कवर्ड विद, जब उसके सिर को अचानक ही लाल पर्दे से ढक दिया जाएगा. हर हैंड्स डाइड रेड, और उसके हाथों को रंग, लाल रंग दिया जाएगा. विद हिना, हिना से, हिना आप सभी जानते होंगे, हाथों में लगाई जाने वाली मेहंदी जिसको बोलते हैं, मेहंदी से जब उसके हाथों को रंग दिया जाएगा. एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाई में डाल दी जाएंगी. शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वह भी एक दुल्हन बन जाएगी. लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, उस बड़ी उम्र की औरत की भांति जो कि बहुत साल पहले दुल्हन बनी थी. शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी बाजू में, उसकी कलाई में अभी भी चूड़ियाँ हैं. बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आँखों में कोई चमक नहीं है, निराशा है अब उसकी आँखों में,
चूड़ियां अभी भी उसकी कलाई में है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। हिंदी का हिंदी की लाइन यूज कर दी गई है यहाँ पर। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज वो क्यों निराश है, उदास है। वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ऐसा वो निराशा भरी आवाज में कहती है। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। इसका अर्थ ये हुआ कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी भर पेट एक बार भी भोजन नहीं किया। उसे खाने को तो मिलता है लेकिन भर पेट भोजन कभी भी पूरी उम्र नहीं मिला। दैट्स बट शी वॉज रीप्ड, और सारी उम्र उसने यही कमाया। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, उसका पति जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी उड़ती हुई दाढ़ी है, वह अपनी उड़ती हुई दाढ़ी के साथ कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता, चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, पूरी उम्र मैं केवल यही कर सका कि परिवार के लिए एक घर बना दिया। हियरिंग हिम वन वॉन्डर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड बट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। उसे ऐसा कहते हुए सुनकर बहुत से लोगों को हैरानी होगी कि क्या उसने वो सब प्राप्त कर लिया जो दूसरे अपने पूरे जीवन में प्राप्त नहीं कर सके। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर एक छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी थिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। और ये जो रोना है किस चीज़ का, कुछ और करने के लिए पैसे ना होना, खाने के लिए पर्याप्त ना होना, ये हर घर से सुनाई देता है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, लेमेंट का अर्थ है दुखड़ा रोना। जो नवयुवक लोग हैं, जो नौजवान नवयुवक हैं, वो अपने बड़ी उम्र के लोगों का रोना रोते हैं कि बड़ी उम्र के लोगों ने हमें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं सिखाया चूड़ियाँ बनाने के अलावा। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा प्रतीत होता है जैसे फिरोजाबाद में समय के साथ साथ बहुत कुछ बहुत बहुत कम बदला है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। माइंड नंबिंग का मतलब है सोच से रहित, ऐसी टॉयल का मतलब है लेबर, मेहनत, कठिन मेहनत ने जैसे उनके दिमाग से सोचने की शक्ति को ही खत्म कर दिया है। और सोचने की शक्ति के साथ साथ कोई नई पहल, इनिशिएटिव का मतलब है कुछ नया ट्राई करना, कोई नई पहल करना, और नया स्वप्न देखने की योग्यता को ही खत्म कर दिया है, एबिलिटी टू ड्रीम। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इन टू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। मैंने कुछ व्यक्तियों के समूह से पूछा जो कि मध्यम वर्ग के दुष्चक्कर में फंस चुके थे, और उस मध्यम वर्ग ने उनके पिताओं और दादाओं को भी अपने जाल में फंसा रखा था। ऐसे ग्रुप से मैंने पूछा, क्या क्या पूछा कि भाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, कि अपने आप को एक सहकार में, एक कोऑपरेटिव में संगठित क्यों नहीं कर लेते। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। और इसके जवाब में
उन लोगों के समूह ने क्या कहा कि यदि हम संगठित हो भी जाते हैं तो भी हमें पुलिस के द्वारा खदेड़ कर ले जाया जाएगा, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और किसी न किसी गैर कानूनी काम के आरोप में हमें पीटा जाएगा और जेल में बंद कर दिया जाएगा। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उन उनमें कोई लीडर भी नहीं है, और नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उन्हें चीज़ों को अलग से देखने में मदद कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके पिता भी उन्हीं की भांति थके हुए प्रतीत होते हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। अपैथी, अपैथी का मतलब है जोश से रहित, विदाउट एनी एंथुजियाज्म। उनके पिता भी निरंतर घुमावदार बातें करते रहते हैं जो कि गरीबी से आगे, जोश से रहित, और ग्रीड और लालच, और फिर अन्याय पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। ऐसी बातें जो कि घुमावदार बातें हैं जिनका कोई एंड नहीं है, वो पॉवर्टी से शुरू होकर अपाथी, ग्रीड और इनजस्टिस, ये सब बातें गोल गोल घूमकर ये सब बातें आखिर में ख़त्म हो जाती हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट बर्ड्स, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन टू अ वेब ऑफ पॉवर्टी, और उन लोगों की बातों को सुनकर मुझे दो तरह के संसार दिखाई पड़ते हैं। राइटर कहती है कि मुझे दो तरह के संसार दिखते हैं। आई सी टू डिस्टिंक्ट, बिल्कुल भिन्न दो संसार देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक संसार जो है वो ऐसे परिवार का संसार है जो कि गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, वेब ऑफ पॉवर्टी, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट विच दे आर बॉर्न, और वह अपनी जाति के उस धब्बे, उस दाग के साथ पैदा होता है जिसमें, जिस जाति में वो पैदा होता है। और द अदर आ विशेस सर्कल, और दूसरा दूसरा संसार एक दुष्ट लोगों का समूह है। कुछ विशेस लोग हैं, कुछ दुष्ट लोग हैं जो कि दूसरे तरह के संसार को दर्शाते हैं। और इस दूसरे तरह के संसार में क्या है? द अदर आ विशेस सर्कल ऑफ शाहूकार्स, द मिडल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और इस दूसरी तरह के संसार में ऐसे लोगों का समूह है जिनमें साहूकार है। साहूकार जो है वो फिर से हिंदी का शब्द यूज किया गया है इंग्लिश में, जिसका मतलब है मनी लेंडर, पैसे उधार देने वाला। मिडलमैन मध्यम वर्गीय व्यापारी, और उसके अलावा पुलिस और कानून के रखवाले, प्रशासनिक अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेता। ये सब लोग जो हैं वो दूसरी तरह के संसार का निर्माण करते हैं, दूसरी तरह का संसार बनाते हैं ये सब लोग मिलकर। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और ये सब लोग मिलकर एक बच्चे पर ऐसा बोझ लाद देते हैं। बैगेज का मतलब है यहाँ पर बोझ। ये सब लोग बच्चे पर एक ऐसा बैगेज लाद देते हैं। बैगेज वैसे तो कोई बैग होता है, सामान से भरा हुआ बैग, लेकिन यहाँ पर मतलब है बोझ। एक ऐसा बोझ बच्चे के ऊपर लाद देते हैं जिसे वह उतार नहीं सकता। कैन नॉट पुट डाउन, पुट डाउन जो फ्रेज है उसका मतलब है उतारना। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और इससे पहले कि वह इस बोझ से अवेयर हो, इस
बोझ के प्रति जागरूक हो, वैसे स्वाभाविक तौर पर अपने पिता की भांति स्वीकार कर लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ और करना मतलब हिम्मत करना करना है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और इन बच्चों के पालन पोषण में साहस करना हिस्सा नहीं है। वेन आई सेंस अ फ्लैश ऑन इट इन मुकेश, आई एम चीयर्ड, लेकिन जब मुझे मुकेश की आंखों में इस तरह की साहस की चिंगारी, फ्लैश फ्लैश का मतलब है चिंगारी, जब इस तरह की चिंगारी मुझे मुकेश की आंखों में नजर आई तो मुझे, चीयर्ड का मतलब है प्रसन्नता हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, जो फर्स्ट ओपनिंग लाइन्स थी, जो ओपनिंग लाइन्स थी वो यहाँ पर आकर रिपीट हुई हैं पूरी कहानी लगभग कंक्लूडिंग फेज में आने के बाद, ही रिपीट्स। अब मुकेश ने फिर वही बात दोहराई कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैराज टू लर्न एंड लर्न, बैक गैराज में जाएगा और वहाँ पर सीखेगा। बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। अब राइटर ने आगे क्वेश्चन किया, परंतु गैराज तो उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, तो वह दृढ़ होकर कहता है कि मैं पैदल चलकर जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? अब यहाँ पर राइटर को एक डाउट हुआ और उस डाउट को क्लियर करने के लिए वो एक क्वेश्चन करती है। क्या डाउट है? उसे लगता है कि क्या मुकेश केवल सपना ही देखता है या वो अपने अपने ड्रीम के प्रति सीरियस भी है। तो उसको चेक करने के लिए वो क्वेश्चन कर रही है कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, कि क्या तुम जहाज उड़ाने का भी स्वप्न देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, ये सुनकर वह अचानक चुप हो जाता है। नो ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन पर नजरें गड़ाकर वह कहता है कि नहीं। इन ही स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, उसकी उसकी इस धीमी बड़बड़ाहट में कुछ लज्जा थी जो कि अभी खेद में नहीं बदली थी, अभी रिग्रेट में नहीं बदली थी। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, हर्टलिंग का मतलब है टू मूव, वह उन कारों को देखकर ही संतुष्ट है जो उसके नगर की गलियों में दौड़ती हुई चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के आसमान में बहुत कम जहाज उड़कर जाते हैं। तो ये चीज़ शो करती है कि मुकेश का जो सपना है वो रियलिस्टिक है। ही इज़ नॉट ओनली ड्रीमिंग ऑफ डूइंग समथिंग बट ही इज़ ऑल्सो वेरी सीरियस टू हिज ड्रीम। ही इज़ नॉट ओनली ऑप्टिमिस्टिक बट ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग इन रियल। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड पार्ट था, सेकेंड चैप्टर का, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब फर्दर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस स्टोरी। सिक्स क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी एंड नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ बैंगल्स आर मेड इन द टाउन ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के नगर में किस तरह की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। सो द आंसर इज, ग्लास बैंगल्स ऑफ एवरी कलर आर मेड इन फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर बैंगल्स मेड इन डार्क हटमेंट्स, डार्क हटमेंट्स में चूड़ियाँ किस तरह से बनाई जाती हैं। बॉयज़
एंड गर्ल्स सिट इन अ रो नेक्स्ट टू देयर पेरेंट्स एंड बर्ग एंड बेल्ड द पीसीज ऑफ ग्लास इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ ऑयल लैम्प्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज सविता. सविता कौन है? डज शी नो द सेंटिटी ऑफ द बैंगल्स शी मेक्स. आंसर इज सविता इज अ यंग गर्ल हु इज हेल्पिंग हर मदर इन मेकिंग बैंगल्स. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डज शी नो द सेंटिटी ऑफ द बैंगल्स शी मेक. नो, शी डज नॉट नो द सेंटिटी ऑफ द बैंगल्स शी मेक्स. बट इज द क्राई दैट रिंग्स इन एवरी हाउस. टेंथ क्वेश्चन है बट इज द क्राई दैट रिंग्स इन एवरी हाउस. लैक ऑफ मनी एंड लैक ऑफ फूड ग्रेन इज द क्राई दैट रिंग्स इन एवरी हाउस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट हैज नॉट चेंज्ड विद टाइम इन फिरोजाबाद. फिरोजाबाद में समय के साथ क्या नहीं बदला? द कंडीशन ऑफ दीज बेंगल मेकर्स हैज़ नॉट चेंज्ड विद द टाइम इन फिरोजाबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट इज द बिजनेस सर्कल मैंसन्ड इन द पैसेज. बिजनेस सर्कल विच इंक्लूड शाहूकार मिडलमैन पुलिसमैन ब्यूरोक्रेट्स कीपर्स ऑफ लॉ एट्सेट्रा इज रिगार्डेड एज द बिजनेस सर्कल इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसका बट टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स डज द राइटर एनीस जंग सी इन लॉस्ट स्प्रिंग. सी देयर आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स मेंशन्ड इन दिस स्टोरी. फर्स्ट इज ऑफ द पुअर पीपल deprived people who are deprived of from the basic needs of daily life and they are continuously living in the poverty. There is a perpetual state of poverty in the burn world who is engaged in making bangles. And the second world includes sahukars, middlemen, bureaucrats, policemen, and keepers of law. Moreover, these are the some politicians also. These whole group of such people form a second world which is mentioned in the story. That's all for the day. Thanks for watching. Like and share, please.